सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आप लोग जो लोग यूट्यूबर हैं, जो लोग अपना यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो यूज करते हैं और यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो से अपने चैनल को मैनेज करते हैं, तो आज इस वीडियो में मैं आपको यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो का जो न्यू अपडेट आया है उस पर बताऊंगा। तो आप लोग काफी जो है अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा और एंड तक देखिएगा, ताकि आप लोग को काफी अच्छे से इस अपडेट के बारे में समझ में आ जाए। और जो लोग चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए वीडियो को। तो मैं अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ। मेरा नाम दीपक है और मैं कोलकाता से हूँ। मैं आप लोग के लिए इसी तरह का टेक रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ, तो साथ में मोबाइल अनलॉकिंग और जो है गैजेट रिव्यू और बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स लेके आते रहता हूँ अपने इसी चैनल टेक्निकल दीपक 2020। चलिए फटाफट इस अपडेट के बारे में हम बता देते हैं इसमें क्या क्या नया अपडेट आया है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्ट। देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने भी अपना क्रिएटर स्टूडियो इंस्टॉल किया है और इसी क्रिएटर स्टूडियो में मैं बहुत सारे इसमें फीचर देख पा रहा हूँ। मैं यहाँ पे आपको साइड में दिखाते जा रहा हूँ। जैसे मैं अपना क्रिएटर स्टूडियो ओपन कर रहा हूँ और जैसे ये ओपन हो रहा है और ओपन होने के बाद आपके सामने डैशबोर्ड आता है सबसे पहले ऑप्शन, और यहाँ पे नीचे मोर व्यू का ऑप्शन है, एनालिटिक्स में आता है। मोर व्यू पे जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे ओवरऑल व्यू आता है, उसके बाद रीच आता है, उसके बाद एंगेजमेंट आता है, उसके बाद ऑडियो रिटेंशन आता है, और यहाँ पे ऑडियंस आता है। ऑडियंस आप देख सकते हैं आपकी ऑडियंस क्या वीडियो देख रही है और कौन कौन सी जो है 28 में वीडियो देखी है। तो यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन आ रहा है अदर्स वीडियो योर ऑडियंस वॉच, तो आपके जो ऑडियंस है किन लोगों के चैनल की वीडियो वॉच कर रही, तो यहाँ से आप चेक कर पाएंगे नीचे वाला जो ऑप्शन है। तो यहाँ पे 7 days का बता रहा है, तो इसमें आप लोग पता कर सकते हैं आपकी जो ऑडियंस है किन लोगों के चैनल को विजिट करके अपना वीडियो वॉच कर रही है। और एक और न्यू फीचर ऐड किया गया, तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है अदर्स चैनल योर ऑडियंस वॉच। तो यहाँ पे कुछ जो है आपके YouTube चैनल देख रहे होंगे, तो जो है आपके चैनल के कॉम्पिटिटर हैं और आपके जो ऑडियंस है इन चैनलों को भी वीडियो वॉच करती है। तो आप समझ लीजिए आपके जो ऑडियंस इन चैनलों पे, यहाँ पे देखिए व्यू रिवील, और यहाँ पे मिथ मेलिटी बॉय, और यहाँ पे गूगल चाचा, और यहाँ पे एक है साहिल टेक, और एक है MRT व्यू फोरम। तो ये सब जो चैनल से मेरा कंपटीशन है, तो इन्हीं टाइप के जो है इन लोगों की जैसे वीडियो आ रही उसी टाइप की वीडियो मुझे भी अपने इसी चैनल पे देनी होगी, ताकि मेरा ऑडियो रिटेंशन बना रहे, क्योंकि मेरे व्यूअर जो है इसी टाइप के हैं और मुझे इसी तरह का अपडेट आप लेना होगा, नहीं तो आपकी मेरी ऑडियंस जो है इधर उधर चली जाएगी और मेरी जो ऑडियंस नहीं मुझे देखना पसंद करेगी। तो इसी कैटेगरी के मुझे वीडियो अब बना के डालने पड़ेंगे। और पता है कि आप लोग मेरी जो ऑडियंस है मोबाइल अनलॉकिंग पे ज़्यादा वीडियो वॉच करती है, क्योंकि उनका जो फ़ोन लॉक हो जाता है तो वो इस चैनल पे विजिट करते हैं, टेक्निकल दी चैनल पे विजिट कर लेते हैं, क्योंकि मेरा यूट्यूब सर्च रिजल्ट में भी बहुत सारा वीडियो आ रहा है और गूगल सर्च से भी बहुत सारा वीडियो मेरे लोग पहुंच रहे हैं मेरे वीडियो पे। YouTube स्टूडियो जो ऐप्स है काफ़ी अच्छा है, जो इसे कहीं भी आप लोग मैनेज कर सकते हैं। मोबाइल में इंस्टॉल होने के बाद आप अपने चैनल को काफ़ी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। और ये जो अपडेट आया जो काफ़ी मुझे खुशी हुआ है, क्योंकि इससे मुझे पता चल पाएगा मेरी ऑडियंस किन चैनलों को विजिट करके किन लोगों की वीडियो वॉच कर रही है, और उससे मुझे जो है अपना जो है कॉम्पिटिटर लोग से अपना कॉम्पिटिशन मैनेज करना पड़ेगा, और उसी टाइप की वीडियो मुझे आगे लानी पड़ेगी ताकि मेरी ऑडियंस मुझे देखना पसंद करे। और आप भी यदि क्रिएटर स्टूडियो के इस अपडेट से आप लोग को हेल्प हुआ है, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक दबा दीजिए, और जो कुछ अभी बोलने में गलती हो रही है प्लीज़ उसे अपना भाई समझ के माफ़ कर दीजिएगा। और आप लोग के लिए मैं इसी तरह का टेक रिलेटेड कंटेंट लाके इसी चैनल टेक्निकल दीपक पे देता रहूँगा। तो प्लीज़ चलिए आज के वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय फ्रेंड्स।